बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को दिन दहाड़े लूटने की कोशिश की। इस लूटपाट की घटना में 2 लोगों को गोली मारी गई है। मौके पर काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। बेगूसराय के पीपी ज्वेलर्स में दोपहर 1 बजे 2 बदमाश पहले दुकान में घुसे, ज्वेलरी देखने लगे। थोड़ी देर बाद 2 और बदमाश दुकान में घुस गए और लूटपाट शुरू कर दी, लेकिन दुकानदार ने सायरन बजा दिया। वहाँ लोग जमा हो गए और 2 बदमाश को पकड़ लिया। पहले 2 कस्टमर आए बन करके, ओरिजिनल थे, हमें दुकान पर आए और अंदर में जाके सब फर्स्ट फ्लोर पर गए, कहे कैसा ऐसा सामान दिखाइए। मेरा बेटा ने दिखाने लगा, उसी में दूसरा आदमी 2 आदमी और चढ़ गया। अब पिस्टल लेकर के जांचने लगा, मेरे स्टाफ को गोली मार दिया, मेरा बेटा को भी लग गया। संजोग बढ़िया रहा कि मेरा बेटा को गोली नहीं लगा, बगल से पास कर गया है और लूटपाट के भागने लगा। उसी समय तुरंत हम पहुंचे हैं यहाँ गेट पे, हम घर से आए हैं तो मालूम चला कि अंदर में डकैत है। उसके बाद हमारा लाइसेंसी पिस्टल से हमको गोली चलाना शुरू किया है। 2 दिन को हमें यहाँ से भी गोली लगा है, 200 पकड़ा गया है, 200 भाग गया है। पुलिस प्रशासन आधा घंटा के बाद आई है और अपना बाय बाय लूट के 2 को लेकर भाग ले गया। कुछ लूट लूट ले गया, 35-40 लाख का सामान ले गया। लूट लिया, 4 थे, 2 भाग गया, 200 गोली मार दी। 35-40 अंदाज पकड़ नहीं बता सकते हैं, हिसाब करेंगे तो बताएंगे। हम स्कूटी से आए थे, नहीं है अपराधी किस गाड़ी से पैदल आया था कि बाहर जाकर पाची बोल रहे हैं आगे लगा हुआ। अभी अभी गोली चलाया है, हां मार रहा है, क्या गोली लगा, 2 को मारे गोली, कितने कर्मी को गोली लगा, कितने को मारा। इस घटना के बाद पुलिस को दोनों बदमाशों को लेकर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद भीड़ ने दोनों बदमाशों को घेर लिया, पुलिस के पसीने छूट गए। इन बदमाशों को दुकान से गाड़ी तक लाने में और फिर पुलिस थाने ले जाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इस लूटपाट की घटना में दुकान मालिक के बेटे और एक स्टाफ को गोली लगी है। फिर लड़का पकड़े गए, उनको गोली लगी, उनका जारी है। 4 लोग के आने की प्रथम दृष्टि यहाँ पर जानकारी सब सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं और लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो शॉप ओनर है उनके द्वारा आत्मरक्षा के कार्य में लगा कितने की लूट हुई है। जैसा कि ऑनर कहना है दे आर मेकिंग इनवाइट और 30-35 लाख की बात कर रहे हैं। 2 लोग पकड़े जा चुके हैं और आत्मरक्षा में उनके द्वारा पाया गया। कितने लोग घायल हैं, गार्ड भी घायल हुए हैं, बेगूसराय में ज्वेलरी लूट को लेकर ये बड़ी घटना है। दिवाली से पहले इस तरह की दिन दहाड़े हुई घटना से व्यवसायी भी डरे हुए हैं। अपराधी घुसा, घुसने के बाद मारपीट शुरू कर दिया, प्रमोद पदार्थ जी के लड़के पर पिस्तौल तान दिया और उसके बाद सबको मारने लगा। एक तरफ से बेरहमी से झोला उला लेके आया था, सब बराबर मतलब लूट के ही ख्याल से आया था, पूरा साफ कर देना है पीपी ज्वेलर्स को। किसी तरह प्रमोद पदार्थ का दिन अच्छा था, वो अपना पिस्तौल सर्विस पिस्तौल निकाल के चला दिया अपराधी पर। 2 अपराधी को गोली लगा है और दोनों पकड़ा गए। लूट की घटना नहीं हुई, 4-5 अपराधी भी थे जो भाग गए, एक इधर भागा है, एक इधर भागा। कर्मी को भी गोली लगा, हाँ एक दुकान का कर्मी है अजय कुमार, वो गोली लगी है, वो डॉक्टर यहाँ भर्ती है। आपको बता दें कि जिस तरह से दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए बदमाश आए थे, उसी दुकान के मालिक प्रमोद पोद्दार ने पहले भी प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन इन सब के बावजूद लूट की घटना हो गई। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।